तो गाइस देखो, रोकेश शर्मा जैसा वीडियो आप लोगों को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है और वो वाली वीडियो डाउनलोड करनी है जिसके वीडियो पे आप रिएक्शन देना चाहते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम से वीडियो आप डाउनलोड ऑलरेडी कर सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियो, आ जाएगी, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको चाहिए साउंड इफेक्ट, मीम। साउंड इफेक्ट और मीम कैसे डाउनलोड करेंगे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मेरे पास लाखों कमेंट आ रहे हैं भाई सिर्फ इसी चीज़ से रिलेटेड कि साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे, मीम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो गाइज देखिए, ये यूट्यूब पर बताना इम्पॉसिबल है, तो आपको आना सबसे पहले मेरे टेलीग्राम पे, यहाँ पे 9,500 लोग से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, मिक्स लर्न आप टेलीग्राम पे आके सर्च करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे सर्च करना। यहाँ पे मैंने बहुत सारे साउंड इफेक्ट और मीम डाले हैं, आप यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि साउंड इफेक्ट का नाम है हे प्रभु, हरि राम, जगन्नाथम, प्रेमानंद, ये क्या हुआ, पलंग पर पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा, ठीक है, आई बैगन करके साउंड इफेक्ट है, ठीक है, और भी बहुत सारे, कौवा बिरयानी वाला है, मैं गिरा हुआ बंदा, जमा नीचे बलिए, कुछ इस तरह करके है, ठीक है। तो बहुत सारे साउंड इफेक्ट मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है, स्लैप साउंड इफेक्ट, फनी साउंड इफेक्ट, लाफिंग, हंसने वाला, ठीक है, मारो मुझे मारो, और भी बहुत सारे, आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, बहुत सारे मिलेंगे, एक से एक मीम मिलेगा। इस वीडियो को डालने के बाद मैं कुछ और साउंड इफेक्ट और मीम यहाँ पे से ऐड कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि वीडियो को करना कैसे है। सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन ऑन करना है, मैंने बताया है कि आपको अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, अपना रिएक्शन वाला, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रिएक्शन वाला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको VN एप्लीकेशन पे आपको वो वाली वीडियो लेनी है जिस वीडियो पे आप अपना रिएक्शन देंगे, दूसरे में भी आपका अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेना। मैं इस वीडियो को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, बाकी आपने देख चुके हैं, फिर भी मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे स्लैप साउंड मतलब म्यूजिक लगाऊंगा, म्यूजिक लगाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, म्यूजिक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे जाइए और यहाँ माई म्यूजिक के ऑप्शन पे, उसके बाद लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा, बहुत सारे साउंड इफेक्ट है जो आपने मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड किए सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे, जो भी आपको पसंद आता है यहाँ पे यूज वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ये डायरेक्ट यूज हो जाएगा, ठीक है, ये फनी साउंड इफेक्ट है इसको यूज कीजिए, ये डायरेक्ट आपके वीडियो में लग जाएगा इस प्रकार का जो मैंने लगाया है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार प्ले करता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, सही से देखो, आप फाड़ के देखो, अंदर तक झाक के, तभी तुम लोग देश बर्बाद कर दिया है बाबू, समझ रहे हैं, ठीक है। एक मीम है, इस मीम को मैं यहाँ बीच में लगाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये मीम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और इसको, इस साउंड इफेक्ट को आपको साइड करना है, ठीक है। मैं साउंड इफेक्ट को साइड करने के लिए आपको करना क्या, साउंड इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है, इस पर दबाना है, नीचे की साइड स्लाइड करना है, ठीक है, इस तरह करके ऐसे, और फिर ये आपके हिसाब से साइड हो जाएगा। आपको पता कि कट करने का ऑप्शन क्या है, किसी भी ऑप्शन पर जाइए, बीच वाला ऑप्शन आएगा कटर का, ये कट जाएगा, ठीक है, आपके वीडियो में जो भी खराब पार्ट है आप उसे कट करके साइड करेंगे। इतना मैं बारीकी से बताऊंगा, वीडियो जब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर आप बोलेंगे कि वीडियो में लड़का बकवास कर रहा है, ठीक है, तो आप वीडियो को चुपचाप देखिए। उसके बाद मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार और फिर से, ठीक है, तो ये मीम हुआ आपका, और इस तरह करके आप यहाँ पे ऐड करके लगा सकते हैं। साउंड इफेक्ट का आवाज़ आपको थोड़ा और कम करना है, अगर आपको लगता है ज़्यादा है तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है, और थोड़ा और कम कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका साउंड इफेक्ट हो जाएगा कम, तो साउंड का इफेक्ट का आवाज़ हो जाएगा कम। इस पर कर करके अपनी वीडियो को एडिट कीजिए, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ लिखना है तो लिखिए, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट आपको ओरिजिनल वाले पे क्लिक करना है, 9:16 पे क्लिक कीजिए, इसी में वीडियो रहेगा, यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट कीजिए, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद डायरेक्ट ये आपके गैलरी में आ जाएगा, आपको जहाँ डालना है वहाँ डालिए, जैसे यूट्यूब पे वगैरह, यूट्यूब पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, मौज वगैरह, लाइक वगैरह, जो भी एप्लीकेशन है आपके पास सभी के ऊपर आप डाल सकते हैं। देखिए, इस वीडियो को अगर आप डालेंगे तो आपको लगता है कि साउंड इफेक्ट यूज करने से कॉपीराइट आएगा, ऐसा नहीं होता है। मीम यूज करने से कॉपीराइट कभी भी नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, मैं खुद यूज करता हूँ, आप यूज करेंगे तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, तो डरने की बात नहीं है, बिंदास होकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक डाला है चैनल का, ठीक है, मेरे
एक कलीग हैं जो मेरे पास में ही रहते हैं, उनका चैनल है, तो आप उनका चैनल जाकर नीचे जाकर देखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा डांस वगैरह करते हैं वो, तो जाके उनकी वीडियो को आप देखिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है उनका। बाकी आपका भी नंबर आएगा कभी ना कभी, तो फिर वीडियो में सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।